पीएम मोदी भूटान के दो दिन के दौरे पर हैं। थिम्पू में उनका शानदार स्वागत किया गया। भारत और भूटान के बीच 9 समझौते हुए हैं, इनमें शिक्षा, हाइड्रो पावर, अंतरिक्ष विज्ञान जैसे सहयोग शामिल हैं। पीएम मोदी ने भूटान में रुपे कार्ड को भी आज लॉन्च किया। पीएम मोदी ने कहा कि भूटान जैसा पड़ोसी मिलना भारत का सौभाग्य है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि जहां विकास को हैप्पीनेस से मापा जाता है, वैसा पड़ोसी कौन नहीं चाहेगा। 130 करोड़ भारतीयों के दिलों में भूटान एक विशेष स्थान रखता है। मेरे पिछले कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री के रूप में मेरी पहली यात्रा, इसके लिए भूटान का चुनाव बहुत ही स्वाभाविक था। इस बार भी अपने दूसरे कार्यकाल के शुरू में ही भूटान आकर मैं बहुत खुश हूं। भारत और भूटान के संबंध दोनों देशों के लोगों की प्रगति, संपन्नता और सुरक्षा के साझा हितों पर आधारित है और इसलिए दोनों देशों में इन्हें जन जन का पूरा समर्थन प्राप्त है। एक्सलेंसी, यह मेरा सौभाग्य है कि भारत की जनता के निर्णायक जनादेश ने इन संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए भूटान नरेश और आपके साथ काम करने का मौका मुझे एक बार फिर दिया है। फिलहाल रुकने एक ब्रेक के लिए लौटते हैं।